अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है हम थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं कोर्स कंटेंट के बारे में। जूलॉजी का कोर्स कंटेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर ऑल अफिलिएटेड कॉलेजेस एज वेल फॉर द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसको आज हम थोड़ा सा चेकआउट कर लेंगे। आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है कौन सा कंटेंट है, किस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज इस यूनिवर्सिटी लेवल पे आप चाहे अफिलिएटेड कॉलेजेस के थ्रू पढ़ रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको जस्ट टॉपिक्स की आउटलाइन जो है वो दे दी जाती है। नोट्स लेना और उस पे मटेरियल इकट्ठा करना वो स्टूडेंट्स का काम है, ठीक है। टीचर्स की तरफ से भी ही कुछ नोट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है बुक्स को रेकमेंड कर दिया जाता है। तो आपने उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है अपना मटेरियल प्रिपेयर कर लेना है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्यादा फोकस आज करेंगे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर हैं या ऑनवर्ड उन सबके लिए भी कुछ गाइडलाइंस बता दूंगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये भी फाइल पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे मेल कर दें parkotanist5@gmail.com पे, इंशाल्लाह ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को देखने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। शेयर करें ताकि आपका भी फायदा हो, आपके साथ जो फेलोज हैं उनका भी फायदा हो, हेल्प कर दिया करें एक दूसरे की। और फिर ऑफकोर्स आप सबके फायदे के साथ ही मेरा फायदा जुड़ा है, ठीक है। आपको बेनिफिट होगा तो मुझे बेनिफिट होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया करें और वहां पर भी डीएम करके इजिली आप पूछ सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। सबसे पहले जो है ये जूलॉजी का देखें, इनवर्टिब्रेट डायवर्सिटी है आपका कोर्स कोर्स टाइटल। और ये फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है 101, जूलॉजी 101। तो इसकी ये सारी डिटेल यहाँ पे जो है वो है कि किस तरह से आपने ये तकरीबन ये देखें, ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो मैं आपको मिलर एंड हैडली की बुक से करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको वन और यानी एक एक करके जो है हर चीज को रीड नहीं करूंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आप इसको देख लें। और इसके अलावा जो है आपको फाइल मिल जाएगी इंशाल्लाह, तो उस पे उससे भी आपको जो है फायदा हो जाएगा। तो ये अब आप देख लें सारे कॉन्टेंट्स, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इजीली। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट, फिर हमारे पास दिस इज दी नेक्स्ट जूलॉजी 102, ठीक है। जूलॉजी लैब है ये, इसमें इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी का ही लैब वर्क यानी कि उसका जो प्रैक्टिकल होगा स्टडी करना है आपने यूग्लिना को, और यानी ये सब जो है प्रैक्टिकल के टॉपिक्स, जेनेटिक्स में से आपने कुछ स्टडी करने हैं और ये बुक रिकमेंडेशन भी साथ ही हैं, ठीक है। दिस इज जूलॉजी कॉर्डेट डाइवर्सिटी, ठीक है, थर्ड 103। और ये सेकेंड सेमेस्टर में भी है, मोस्टली बीएससी के लेवल पे ये थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में आता है। और वही बात है कि सेकेंड ईयर बन जाता है कॉर्डेट्स का, और ये सब वही टॉपिक है जूलॉजी सी जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, हेमिकॉर्डेट रेप्टाइल्स और मैमल्स। और जो बुक है ये बुक मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ कि मिलर एंड हैडले की बुक बेस्ट बुक है जूलॉजी के लिए, ठीक है। तो उसको आप स्टडी करें, उसमें आपको हर टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। जूलॉजी 104 लैब कॉर्डेट डाइवर्सिटी मीन्स कि उसका जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट जूलॉजी 3 सेमेस्टर के लिए, अब ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है जूलॉजी 3 बायोकेमिस्ट्री। इसमें कुछ बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिकल्स होंगे, हमारा फोकस इसी पे है। 201 जूलॉजी 201, इसमें देखें आपने जो मोनोमर्स पॉलीमर्स लाइफ मिनो एसिड्स सब ये जो कार्बो वो है बायोमोलिक्यूल्स है उस पर आपने स्टडी करना है, इसमें सब वो आएंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स, इसके अलावा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी इसमें आएगी बिकॉज इसमें एवोल्यूशन आपने स्टडी करनी है, तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। और इसके अलावा एवोल्यूशन का टॉपिक है, और इस यहाँ पे देखें नीचे फिर उसके बाद आपके पास बुक्स हैं। अच्छा, अब आप एक काम और भी कर सकते हैं, मिलर एंड हैडले की बुक मैंने आपको बता दी है, और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें बुक्स के नेम्स हैं, मैंने यहाँ पे इसीलिए स्टॉप किया कि आप इसको देख लें। इन्हीं बुक्स को आप पीडीएफ फाइल में ये देखें, लहनिंजर की लहनिंजर बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री चाहे आप माइनर में पढ़ें चाहे आप मेजर में पढ़ें, इसको भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मुझसे चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी लहनिंजर की, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री के लिए काफी अच्छी है, बायोमोलिक्यूल्स के लिए बुक, ठीक है। और इसके अलावा ये बाकी सब बुक्स भी हैं, इनको भी अगर आप चाहें तो आप सर्च करके अपने पास सॉफ्ट फॉर्म में रख सकते हैं। और फिर जिस टॉपिक की भी आपको, इतना मुश्किल काम नहीं है, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ते हैं तो आपको इन चीजों की आदत हो जाती है और आपको आइडिया भी हो जाता है कि आपने ये सब काम कैसे करने हैं, बिकॉज आपने जो है वो
टॉपिक का पता चल जाता है, कंटेंट का पता चल जाता है, फिर आपने टॉपिक से इन्फॉर्मेशन मटेरियल जो है वो खुद ढूंढना है। दो बुक्स आपको बता दी हैं, ये बायोकेमिस्ट्री है क्योंकि 201 है, तो इसमें आपके लिए लेहनिंजर की बुक बेस्ट रहेगी, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है बायोमोलिक्यूल्स के जो है लिए, आप उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से लर्निंग कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर के लिए है ये, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखें, ये है आपका मीन्स इसका प्रैक्टिकल वर्क जो होगा, ये सिंपल टेस्ट वगैरह जो आप पहले भी कर चुके हैं, अल्कलाइन मीडियम के लिए आपने देखना है, एसिडिक मीडियम के लिए कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट फॉर द डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, यानी वो किस तरह से उसमें बहुत अनस्टेबल से होते हैं, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं वो कारवान की प्रैक्टिकल नोटबुक जूलॉजी के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है, कारवान पब्लिशर्स की नोटबुक जूलॉजी के लिए वो बहुत अच्छी नोटबुक्स हैं, उसमें ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी 1 एंड एवोल्यूशन, यहाँ पे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के लिए भी अगर जो आपने कुछ कम्युनिटी एनालिसिस वगैरह करनी है प्रैक्टिकल वर्क के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। अगेन बुक्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब बुक्स प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स 4th एडिशन, ये आज अच्छी बुक्स हैं, ये भी प्रैक्टिकल नोटबुक्स के लिए, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल बायोकेमिस्ट्री, ये सब आपको मिल जाती हैं उस पर इंटरनेट पे या गूगल पे इजीली बुक्स आपको मिल जाएंगी, नो प्रॉब्लम। और अगर मुझसे चाहिए कोई भी बुक तो आप फिर मुझे बता दें, मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, 4th सेमेस्टर के लिए फिजियोलॉजी है, जूलॉजी में फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो फिजियोलॉजी के लिए आप देख लें। अब इसमें फिजियोलॉजी में कम्युनिकेशन, नर्व, न्यूरॉन्स, जो सारे कोऑर्डिनेशन के टॉपिक्स हैं आपके, कम्युनिकेशन 1, कम्युनिकेशन 2, मिलर एंड हैडली में बहुत ज़्यादा डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे, और इस पर कुछ टॉपिक्स में मैं डिस्कशन पहले कर चुकी हूँ वीडियो में, तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर लें, मैं उनकी लिंक्स दे दूंगी आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहां से उसको चेक कर लें। सेल बायोलॉजी पे भी कुछ वीडियोज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ये 4th सेमेस्टर के लिए। 3rd सेमेस्टर के लिए जो है वो बायोकेमिस्ट्री थी, ठीक है। जी हाँ, तो ये नेक्स्ट आपके पास है जूलॉजी लैब फिजियोलॉजी के लिए, जो आपने लैब वर्क करना है, लेबोरेटरी में काम करना है, प्रैक्टिकल के लिए अडेप्टेशंस, और सेल बायोलॉजी के लिए भी कुछ छोटे छोटे से प्रैक्टिकल हैं, आइडेंटिफिकेशंस हैं जो बैक्टीरिया की, यीस्ट की, अच्छा प्रैक्टिकल है, काफी अमेजिंग प्रैक्टिकल है ये, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह के लिए है। नेक्स्ट इज जूलॉजी 301, जिसमें सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी आएगी, ये 5th सेमेस्टर में आप इसको देखेंगे, जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, होप्स हो कि उनके लिए जो है वो काफ़ी इजी रहेगा, और ये डिसिप्लिन चेक कर लें साथ में, ये जूलॉजी के लिए यानी बीएस जो प्योर जूलॉजी कर रहे हैं उनके लिए है, क्रोमेटिन। जूलॉजी 302 मॉलिकुलर बायोलॉजी का लैब वर्क, प्रैक्टिकल वर्क 5th सेमेस्टर के लिए, ठीक है। इसमें आपने जो है सब ये कुछ प्रैक्टिकल पीसीआर वगैरह के साथ एम्पलीफिकेशन डीएनए की करेंगे आप, बहुत मजा आएगा आपको ये प्रैक्टिकल्स करने का। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें बायोकेमिस्ट्री 2, 3 और 3 बायोकेमिस्ट्री माइनर होगा ये आपका, और इसमें 5th सेमेस्टर के लिए है ये, ईयर 3 कह लें जूलॉजी का, और इसमें बायोकेमिस्ट्री ज़ाहिर है आप पढ़ेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में वही कॉन्सेप्ट सारे जो बायोकेमिस्ट्री के हैं, मेटाबॉलिज्म डिस्क्रिप्शन है, ग्लाइकोलोसिस की जो ये है, पेंटोस साइकिल है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, ये सब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल, लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो लिपिड्स के साइकिल हैं, फैट के हैं, डाइट्री फाइबर्स के हैं, तो ये सब साइकिल्स आप इसमें बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बायोकेमिस्ट्री 2 लैब 1st, इसका जो है वो लैब का यानी प्रैक्टिकल वर्क इसका जो आ जाता है वो प्रैक्टिकल वर्क में, ये सब आई होप कि आपको समझ आ जाएगी वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट इज दी जूलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी 2, इसमें आपने सब एनिमल फिजियोलॉजी के जो टॉपिक हैं उसको आपने करना है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ सेल, सेल में किस तरह से फिजियोलॉजी है, नर्वस सिस्टम में किस तरह है, मसल्स में किस तरह, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, सबसे जो यानी जो फंक्शनिंग होगी ना, फुल फंक्शनिंग होगी एनिमल्स में जो फंक्शनिंग है, एनिमल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का यही मतलब है ना कि आप उसमें फंक्शनिंग देख लें, तो फंक्शनिंग से भी आपको पता चल जाता है कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं वो उसमें हो रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। जूलॉजी 306 फिजियोलॉजी लैब 5th सेमेस्टर के लिए, लैब वर्क, लैब में जो आपने कुछ प्रैक्टिकल करने हैं,
नेक्स्ट अब आप ये देखें, ये जोलॉजी है बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में है। और स्टैट वैसे आप जो है थर्ड सेमेस्टर में भी स्टैट को पढ़ाया जाता है कुछ कॉलेजेस में, तो स्टैट को भी आप देख लें। स्टैट में आपने ये पॉपुलेशन, सैंपल, सैंपल की स्टेजेस और रिसर्च ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड डाटा एंड अरेंजमेंट, उसकी प्रेजेंटेशन, ये कुछ स्टैट्स के नोट्स, स्टैट्स के टॉपिक्स हैं, ये भी आपको इजीली मिल जाएंगे स्टैट की बुक्स में से। स्टैट्स की बुक्स ये देखें, यहाँ पे स्टैट्स की बुक्स भी है, एलिमेंट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ये काफ़ी अच्छी है, लेटेस्ट एडिशन जो है इसका काफ़ी अच्छी है ये बुक। और बाकी आप जो है यहाँ से कोई भी बुक उसको यूज़ कर सकते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए, कि कौन सी हम यूज़ करें, या फिर स्टैटिस्टिक्स फॉर द बायोलॉजी, तो इस तरह की बुक्स जो हैं आप उधर से। उसके अलावा स्टैट का मैं आपको बताती हूँ, स्टैट के लिए अगर आप सिंपल जो है टॉपिक लिख के सर्च करें और मुझे बता दें आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस पर आप जो है इजीली उस टॉपिक को देख के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट में आपको कोई थ्योरी नहीं चाहिए होती है, स्टैट में मेथड चाहिए होते हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए, डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए। तो जब आप वो सब करते हैं तो फिर वो स्टैट में मतलब आपके लिए जो है ये इजी हो जाता है काम, कि आप उसको यूज़ कर सकें। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन पे आप देख लेंगे टॉपिक्स को कौन से हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के साथ जो है तो बाकी फिशर एंड जहरी के टॉपिक्स हैं उसको आपने देखना है, टेक्स्ट बुक्स हैं यहाँ पे एडिशनल। छोटा सा एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा सब्जेक्ट है ये, मतलब माइनर सा, ज़्यादा डिटेल भी नहीं होती इसमें। जूलॉजी 309 एवोल्यूशन का लैब वर्क, अच्छा जी ये भी सब इसकी बुक्स वगैरह जो है आप देख सकते हैं अच्छे से। जूलॉजी 310 मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे जेनेटिक्स, चाहे जूलॉजी में हो चाहे बॉटनी में हो, मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से। जेनेटिक्स में आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, रेप्लिकेशन, रोलिंग सर्कल्स और टोपोलॉजी, डीएनए की रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोमोटर्स, लीडर्स और ट्रेलर सीक्वेंसेस, ठीक है, रिप्रेसर्स जो जीन है उनकी रिप्रेसर की रेगुलेशन किस तरह से है, ये सब टॉपिक्स आपने पढ़ने होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लैब वर्क और सिक्स मेस्टर का है ये, और ये लैब के लिए कुछ प्रिपरेशन की जाती है, ओवरनाइट बैक्टीरिया को रख के कल्चर को, और उसके बाद आप उसकी आइसोलेशन करके जीनोम को चेक कर लेते हो, डीएनए को देखते हो किस तरह से रेप्लिकेशन हुई, किस स्टेप पे हुई। और नेक्स्ट इज जूलॉजी 312 एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट की एनालिसिस, जो एम्ब्रियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोजेनेसिस, डिफ्रेंसिएशन, अफिनिटी, सेल अडहेजन, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट प्रोसेस, सेल फेट बाय प्रोग्रेसिव डिटर्मिनेंट्स, ऑटोनमस सेल स्पेसिफिकेशन, सेकेंडरी इंडक्शन ऑर्गेनोजे, सब ये वो है कि जिस तरह से, किस तरह पूरी एम्ब्रियोलॉजी है या डेवलपमेंट है, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो, इनवर्टिब्रेट्स हो। एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट लैब में, इसमें आपको चिक सेल्स की जो है वो रख के उसको इंक्यूबेटर में और पूरी डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं स्टेजेस को। जूलॉजी 314 वाइल्ड लाइफ, क्वाइट सिंपल सब्जेक्ट है, कुछ इसमें खास मुश्किल नहीं है, 2 credit hours का है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। जस्ट आपने वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन और उसमें रूल्स और उसकी सिग्निफिकेंस और किस तरह से आप उसको यानी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह, IUCN क्या की क्या कैटेगरीज हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, उनके रूल्स क्या हैं, वो सब कुछ आप इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है, आउटलाइन की समझ आ रही है, और अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे बताएं अगर किस तरह का कोई इश्यू बन रहा है। लैब वर्क में यही होता है कि आप डिफरेंट जो है वो प्लेसेस का, वाइल्ड लाइफ का विजिट करते हो, टूर करते हो, और फिर आप जो है उस पर अपनी फाइल्स और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं कि आपने किस तरह की डाइवर्सिटी वहाँ पर ऑब्जर्व की, उसको किस तरह से कंजर्व किया जा रहा है और उस पर क्या काम हो रहा है। जूलॉजी 316 इन्वायरमेंटल जूलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, क्वाइट सिंपल एंड बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सक्सेशन, स्टेबिलिटी और कॉन्सेप्चुअल सा सब्जेक्ट है, और मज़े का भी है, अच्छा है ये सब्जेक्ट, नॉइज और इक्वेटिक लाइफ, वाटर प्यूरिफिकेशन मेराइन में, और उसके अलावा पेस्टिसाइड्स का यूज, पोल्यूटेंट्स हैं इन सब को आपने, टॉक्सिक हैं, क्लोरीन की डिटॉक्सिंग, PCBs हैं, इनको आपने स्टडी करना है, सब कंटेंट आप देख सकते हैं।
जी हाँ, नेक्स्ट इसका जो है 317 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी लैब वर्क, इसका आप देखोगे 317 में आपने यही करना होता है कि किस किस मेथड से हम वाटर की प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, पीएच वगैरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो आप इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 318 एनिमल बिहेवियर, ये जूलॉजी मिलर एंड हेल्डर में इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगी इंशाल्लाह, तो आप उसको देख सकते हैं कि एनिमल बिहेवियर किस तरह से, मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर क्या होता है, फाइंडिंग फूड किस तरह करते हैं, शेल्टर का क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज करके अपनी फूड को फाइंड आउट करते हैं। जूलॉजी 319 एनिमल बिहेवियर है, ये सिक्स मास्टर के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जूलॉजी 401 प्रिंसिपल सिस्टमैटिक्स यानी क्लासिफिकेशन, जूलॉजी के केस में जो हम क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी जिसको कहेंगे वो चीज जो है आपने इस सब्जेक्ट में करनी है, टाइपोलॉजी को, नॉमिनलिस्टिक बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी और बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, वो सब टॉपिक्स जो है आप यहाँ पे देखेंगे। 402 लैब वर्क प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक्स, लैब वर्क में आपने किस तरह से डिफरेंट जो है वो उनको देख के तो वो कर सकते हैं आप डिफरेंट उसको स्पीशीज को देख के किस तरह से जो है वो डिफरेंट स्पीशीज को बायनोमियल नोमेनक्लेचर में नेमिंग की गई है उनकी, और इसके अलावा इन जो स्पीशीज हैं इन स्पीशीज की कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जूलॉजी 403 पैलियंटोलॉजी, ठीक है, पैलियंटोलॉजी क्वाइट इजी भी है लेकिन एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, ये एक एस्टोनिशिंग है कि फॉसिल्स को किस तरह से उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है, फिर आप उस पर देखते हो शेल्स किस तरह से आप देखते हैं, बायोस्फीयर्स, हाइड्रोस्फीयर्स, बायोस्फीयर्स, लिथोस्फीयर्स, ये पैलियंटोलॉजी, सेडिमेंटेशन, रॉक्स की सेडिमेंटेशन कैसे है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं या कौन से रॉक्स हैं, फॉसिल्स की क्या टाइप्स हैं, फॉसिलाइजेशन, नेचर ऑफ फॉसिल्स, प्रोसेसेस क्या हैं, फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस क्या हैं, इन सबको आपने देखना है। फिर इसमें ये होता है कि आप कुछ जो क्या कहते हैं उसको, कुछ म्यूजियम्स हैं उनका विजिट करते हो, क्योंकि जब आप म्यूजियम्स का विजिट करते हो तो उसमें आप इन फॉसिल्स को जब देखते हो कंजर्व किए हुए, और वो सब वो इट्स क्वाइट अमेजिंग और आपको बहुत अच्छा लगता है, और ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा आपकी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा करती हैं, ठीक है। जूलॉजी 404 लैब वर्क पैलियंटोलॉजी का, इसमें लैब वर्क में ये होता है कि आपने कुछ फॉसिल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, उनके नेम्स, उनके एरा, टाइम पीरियड, कब वो हुआ, कब उसको फॉसिलाइज किया गया, कितने साल पुराने हैं, कितनी सदियां पुराने, डिकेड्स होती है ना मोस्टली 10-20, तो उसके अकॉर्डिंग। 405 इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें आपकी इकोनॉमी डिपेंड करेगी कि आखिर ये जो पैरासिटिक ये है एनिमल किस तरह से वो इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ह्यूमंस में डिसीजेस कॉज कर रहे हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, कौन कौन से पेस्ट हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है, ये सब कॉन्टेंट आपने इसमें स्टडी करना है। जूलॉजी 406 लैब इकोनॉमिक का, ठीक है, ये आपके 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है लेकिन आई होप कि आप देखेंगे सारी वीडियो। जूलॉजी 411 इन्वायरमेंटोलॉजी, फॉर्मोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटमोलॉजी है बेसिकली ये, तो इंसेक्ट्स के बारे में आपने इसमें पूरा जो है वो उसको उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंसेक्ट्स की, और कलेक्शन करते हो आप ट्री पे चढ़ के कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनको आप कलेक्ट करते हो, एफिड्स हैं, उस पर स्टडी की जाती है, ठीक है। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी में देखें आ गया ना लैब एंटमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंसेक्ट, सब कुछ, तो आपने फिर उन ये ग्रास ऊपर, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोस, मच्छर मक्खियां इकट्ठी करेंगे आप इस सब्जेक्ट में, और फिर उसको आप स्टडी करते हो क्या उनका लेवल है, कैसे उनका साइकिल है। मेडिकल एंटमोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी, जिसमें आपने जो है वो मेडिकली उसको, यानी इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एंटमोलॉजी, उसको आर्थ्रोपोड्स, कॉज एंड द कॉस्ट ऑफ द कैरियर ऑफ द डिसीजेस, यानी मेडिकल साइंस की तरफ आप चले जाओगे, डिसीजेस के बारे में स्टडी करोगे, उनके पार्ट्स, उनकी कॉजेस क्या हैं, फिर ट्रीटमेंट कौन से हो सकते हैं, कौन सा इंसेक्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, स्नाइप बाइट्स हैं, फ्लाइज हैं, ठीक है, साइफिड्स हैं, बाइटिंग अगर हो रही है लाइस की तो उसको वो किस तरह से मेडिकली आपको अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को,
जूलॉजी 4 of 14, लैब मेडिकल एंटोमोलॉजी. अब इसमें कलेक्टिव प्रिजर्वेशन एंड पिनिंग ऑफ द एडल्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को आप इकट्ठा करते हो, पिनिंग करते हो मेडिकली उसको, उसकी इंपॉर्टेंस को डिटेल करते हो, माउंटिंग करोगे उसको स्टिंगल प्लेट्स के ऊपर, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी और डिमॉन्स्ट्रेशन होगी लाइफ साइकिल की कि किस तरह के उनके लाइफ साइकिल जो है वो पूरे मीन्स के लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता है, पूरा प्रोसेस उसका क्या है लाइफ साइकिल का. 4:14 जनरल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को आपने स्टडी करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स के बैक्टीरिया वायरस, लैब वर्क होगा इसमें काफी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंस रेप्लिकेशन स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रैक्यो बैक्टीरिया. जाहिर आपने इसमें बैक्टीरिया वगैरह और वायरस के बारे में पढ़ना है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. लैब वर्क ऑफ जनरल माइक्रोबायोलॉजी, जनरल से ही होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, कुछ जनरल कॉन्टेंट्स हैं स्टडी करने के लिए. जूलॉजी 4:17 अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क हो जाता है और आपने देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर है, सॉइल है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ डोमेस्टिक वाटर है, सीवेज माइक्रोबायोलॉजी ऑफ फूड है, मिल्क प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी. इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी, ठीक है. फोर्थ ईयर जूलॉजी और इसमें आ जाएगा 4:18 लैब अप्लाइड बायोलॉजी, क्योंकि अब हम सेवन्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तो जाहिर है कि ये फोर्थ ईयर का जो है बन जाएगा, लास्ट ईयर जो है बीएस का. टेक्निक्स फिशरीज रिसर्च, इंटरेस्टिंग है, फिश के बारे में स्टडी करेंगे आपकी, फिशेज के कुछ टॉपिक जूलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है. द लिटरेचर ऑफ द फिश, फिशरीज मेथड ऑफ द कंपाइलिंग द बिब्लियोग्राफिक लिटरेचर सोर्सेज, जनरल बिब्लियोग्राफिक ऑन द फिश फॉर्म्स फॉर द रिकॉर्डिंग डाटा एंड द फिशरी जो है वो सारा, यानी फिश से रिलेटेड आपने बातें करनी है इसमें. जूलॉजी 4:22 लैब टेक्निक्स इन द फिशरीज रिसर्च, आपने लैब टेक्निक्स देखनी है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, एक दो प्रैक्टिकल होते हैं, जस्ट आपने सर्वे करना होता है लिटरेचर का और फिर उसमें डाटा की रिकॉर्डिंग है, प्रिपरेशन करोगे कुछ फिश स्लाइड्स की. जूलॉजी 4:23 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ऑफ फिशेज, अब फिशेस की ही इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जस्ट आपने फिश में देखना है कि फिश कौन सी इन्वायरमेंट में रहती है, किस तरह के वाटर में रहती है, क्या उसका ग्रोथ का मैकेनिज्म है, क्या उसकी बायोलॉजी है. एंड जूलॉजी 4:24 इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ऑफ द फिशेस, सेवन्थ सेमेस्टर, ठीक है. और कोर्स कॉन्टेंट जस्ट 1 credit hour का है, छोटा सा सब्जेक्ट, कंडीशन फैक्टर इन द रिलेशन टू द सफरिंग इन्वायरमेंट, यानी किस तरह की इन्वायरमेंट में वो रह रही है और सफरिंग इन्वायरमेंट में मोस्टली किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं फिशेस के लिए. जूलॉजी 4:07 बायोलॉजिकल टेक्निक्स, क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये 8th semester में. साइज मेजरमेंट ऑफ एनिमल्स, टिश्यूज, सेल न्यूक्लियाई, अदर ऑर्गेनल सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिकल और प्रैक्टिकल वर्क है, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा सब्जेक्ट है ये और प्रैक्टिकल इसमें वर्क काफी ज्यादा, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेंट्रीफ्यूजेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेल फ्रैक्शनेशन है, सेपरेशन है, HPLC है, डिस्टिलेशन है, तो इस तरह के सारे इंक्यूबेटर में काम करना, मशीन्स के साथ काम करेंगे इस सब्जेक्ट में बिकॉज इट्स टेक्निक्स. जूलॉजी 4:08 लैब वर्क, बायोलॉजिकल टेक्निक्स का लैब वर्क है. लैब वर्क में मैंने जैसे आपको बताया, पहले आप उन प्रोसीजर्स को थ्योरी में पढ़ोगे, फिर माइक्रोस्कोप और इंक्यूबेटर्स और डिस्टिलेटर्स और PCR मशीन, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, स्पेक्ट्रोमीटर्स और हिस्ट्रो केमिस्ट्री ऑफ पैराफिन इम्बेडेड इन द टिश्यूज, टिश्यूज की स्टडी, इन सबको आपने स्टडी करना है. जूलॉजी 4:09 जू जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. इकोलॉजी है एक्चुअली ये, जिसको हम जू जियोग्राफी भी कहते हैं, ये क्या है, इकोलॉजी है, यानी डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन. जूलॉजी 4:10 लैब वर्क, इकोलॉजी का या जू जियोग्राफी का, उसमें आपने विजिट्स करना है डिफरेंट एरिया को, आप देखोगे कि कौन सी इन्वायरमेंट में कौन सी स्पीशीज जो है वो रह रही है, किस तरह की स्पीशीज किस तरह की इन्वायरमेंट में सूटेबल उनके लिए होती है, कौन से एरिया हैं, जैसे सेलेमेंडर्स वगैरह हैं, टॉर्स हैं या फ्रॉग्स हैं,
एम्फीबियंस में से, फिर रेप्टाइल्स में से आपने डिफरेंट एनिमल्स देखने हैं, एप्स में से मैमल्स, एगलिंग, मर्सुपियल्स, बैंडिकॉट्स, यानी सब एनिमल्स, प्लेसेंटल्स, मैमल, तो हर किसी, हर टाइप के जो मैमल एनिमल्स है ना फाइलम में, पूरी क्लासिफिकेशन में से उसमें 1122 एनिमल्स को आप सेपरेटली डिस्कस करोगे. जियोलॉजी 425 इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. पेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जियोलॉजी में, क्योंकि पेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम खराब करते हैं, तो इस वजह से फिर जियोलॉजी में पेस्ट आपको पढ़ाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा. जियोलॉजी 426 लैब वर्क इंटेग्रेटेड पेस्ट एनिमल्स मैनेजमेंट, किस तरह की जाएगी पेस्ट की जो डिफरेंट एनिमल्स और यानी ह्यूमन के साथ या डोमेस्टिक लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट्स 427, क्लासिफिकेशन कैसे होगी इंसेक्ट्स की, 8 सेमेस्टर के लिए है ये भी. आइसोपेट्रा, हेमीपेट्रा, लेपिडोपेट्रा, कुछ तो इसमें से पढ़ चुके हैं और कुछ आपने भी पढ़ने हैं. इसमें आपने करनी है इंसेक्ट्स की, जस्ट इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन, ऑल एनिमल्स की नहीं, ठीक है. लैब वर्क होगा तो जाहिर है उसमें भी आप क्लासिफिकेशन देखोगे और डिफरेंट की आइडेंटिफिकेशन बनाओगे, स्लाइड्स करोगे, कलेक्शन करोगे, और स्लाइड्स बनाने के बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन करोगे मेंबर्स के, डिफरेंट मेंबर्स की. जूलॉजी 429 बैक्टेरियोलॉजी, बैक्टेरियोलॉजी बिल्कुल सेपरेटली अब आ जाएगा 8th सेमेस्टर में, जिसमें आपने जस्ट बैक्टीरिया को ही डील करना है. इक्विपमेंट होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, मेटाबॉलिक पाथवेज बैक्टीरिया में कैसे चलते हैं, कलेक्शन किस तरह से करनी है, कल्टीवेशन, कल्चर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड द कंट्रोल ऑफ द माइक्रोब्स. जूलॉजी 430 लैब वर्क बैक्टेरियोलॉजी का कुछ प्रैक्टिकल है, वही जो आप उसमें पढ़े, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है. थ्योरी में आपने ये सब प्रोसीजर पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं, और प्रैक्टिकल में वो सब आपने परफॉर्म करने हैं. ग्राम स्टेनिंग होगी, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे, पास्टराइजेशन, स्टरलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, सेल मैस, ऑप्टिकल डेंसिटी मेजरमेंट, स्लाइड्स की और प्रिजर्वेशन, और प्योर कल्चर्स और मिक्स कल्चर्स की प्रिपरेशन, बैक्टीरियो स्टेटिस्टिक्स. जाहिर है स्टैट्स के बगैर तो नहीं ना आप ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं. जूलॉजी 431 इन्वायरमेंटल माइक्रोबियोलॉजी. अब ये माइक्रोबियोलॉजी है लेकिन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंट बायोलॉजी है या इन्वायरमेंट जूलॉजी, लेकिन बैक्टीरिया के केस में, माइक्रोब्स के केस में, ठीक है, माइक्रोब लेवल पे, माइक्रोबियल कम्युनिटीज के लिए उनकी इन्वायरमेंट्स कैसी होती हैं. 432 लैब वर्क, ठीक है, 1 credit hours का, ये भी 8th सेमेस्टर में, क्योंकि 8th सेमेस्टर में आपके कुछ प्रैक्टिकल्स ही ऐसे होंगे, सब्जेक्ट्स ही ऐसे होंगे जो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, तो इसलिए इसमें थ्योरी का काम ज्यादा नहीं है. जूलॉजी 433 एडवांस्ड एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, जूलॉजी में एक्वाकल्चर किया जाता है, तो आपने एक्वाकल्चर को भी स्टडी करना है. फिजियोलॉजी है, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स फिश फार्मिंग के लिए, फिश फार्म कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, हाइड्रोमेट्रियोलॉजी किस तरह से है, पॉन्ड फिश को उनकी कल्चर और उनको किस तरह से जो है वो रेस किया जा सकता है. 433 लैब एडवांस एक्वाकल्चर में, किस तरह से लैब में डिफरेंट आप जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते, कलेक्शन करोगे, प्रिजर्व करोगे, इरेडिकेशन करोगे, डिफरेंट प्रीडेटर्स को कैसे, वीड ऑफ प्लांट्स, क्योंकि इसमें ही आपने स्टडी करना है, एनिमल्स ही है ना, स्टॉकिंग है, डेंसिटी रेशियो, कंट्रोल ऑफ द पैरासाइट्स एंड द डिसीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडियन मेजर कार्प्स, फिश गियर्स कौन से हैं, कौन सी जो है फिश कहाँ पे हैं और वो उनके किस तरह के रोल्स हैं. जूलॉजी 435 एडवांस इन एक्वाकल्चर के जो प्रैक्टिकल वर्क है या लैब वर्क, कोर्स कंटेंट में वही इंट्रोडक्शन टू एडवांस एक्वाकल्चर एक्चुअल में होता क्या है, फिर फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, तो डिफरेंट आपने उसमें देखना है. जूलॉजी 436 लैब वर्क एडवांस एक्वाकल्चर 2 का, दो सब्जेक्ट्स हैं 1 और 2 इसमें 8th सेमेस्टर में एक्वाकल्चर के लिए, जरा ज्यादा फोकस है एक्वाकल्चर के ऊपर. सो दिस वॉज टूडेज नॉट लेक्चर वीडियो. आई होप कि आपको जो है वो लेक्चर पसंद आया होगा, और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की और यानी आपको कुछ आउटलाइंस चाहिए, तो 3rd सेमेस्टर के लिए तो मोस्टली जूलॉजी में बायोकेमिस्ट्री ही हमने स्टडी किया है, और इसके अलावा जिस भी चीज़ की आपको जरूरत हो, टॉपिक की जरूरत हो, आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए हेल्पफुल लेक्चर्स बनाऊंगी. अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, लेकिन आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आप सबको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा. अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.